गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कुटिकुटि नमन आप सभी को प्रणाम गायत्री मंत्र से शक्तियों की और सिद्धियों की प्राप्ति कैसे होती है गायत्री योग अभ्यास कैसे बन जाता है कैसे ये हमारी शक्तियों को जागृत कर देता है हमारी ग्रंथियों पर ये क्या प्रभाव डालता है किस शब्द को बोलने से कौन सी शक्ति और कौन सी ग्रंथि जागृत होती है आइए आज हम ये सब जानेंगे अपने इस वीडियो में लेकिन उससे पहले थर्ड ऑफ द डे गायत्री सनातन एवं अनादि मंत्र है पुराणों में कहा गया है कि सृष्टि कर्ता ब्रह्मा को आकाशवाणी द्वारा गायत्री मंत्र प्राप्त हुआ था इसी की साधना का करके उन्हें सृष्टि निर्माण की शक्ति प्राप्त हुई थी गायत्री के चार चरणों की व्याख्या स्वरूप ही ब्रह्मा जी ने चार मुखों से चार वेदों का वर्णन किया गायत्री को वेद माता कहते हैं चारों वेद गायत्री की व्याख्या मात्र हैं गायत्री माँ को जानने वाला वेदों के जानने का लाभ प्राप्त करता है हम जिन शब्दों का उच्चारण अपने मुख से करते हैं उनका उच्चारण करने में हमारे होंठ, तालू जीभ गला दांत इन सभी का योगदान होता है इन सारे अंगों से नाड़ी तंतु या छोटी छोटी नस नाड़ियाँ जुड़ी हुई होती हैं और ये शरीर के विभिन्न भागों तक फैले हुए रहते हैं ये कई सूक्ष्म ग्रंथियों से भी जुड़े हुए रहते हैं हमारे ऋषि मुनि योगी जानते थे कि किस शब्द के उच्चारण से कौन सी ग्रंथि एक्टिवेट होगी और शक्ति का जागरण होने लगेगा मंत्रों का गठन इसी आधार पर किया गया था जैसे हम कंप्यूटर या टाइपराइटर की कीज़ को उंगलियों से दबाते हैं और वही शब्द ऊपर छप जाता है वैसा ही हमारे मंत्रों के उच्चारण करने से होता है मंत्रों के जो शब्द हम उच्चारण करते हैं उन शब्दों को उच्चारण करते वक्त हमारे मुंह के सारे अंग एक्टिवेट हो जाते हैं और उनसे कई नाड़ियाँ जुड़ी हुई रहती हैं जो शरीर के अलग अलग स्थानों में अवस्थित रहती हैं और गुप्त ग्रंथियों से जुड़ी हुई होती हैं ये गुप्त ग्रंथियों पर चोट करती हैं और वे ग्रंथियाँ जागृत हो जाती हैं जागरण से वे ग्रंथियाँ अपने अंदर बड़ी ही महत्वपूर्ण ऐसी विशेषता उत्पन्न कर देती हैं जिन्हें है शक्तियाँ या सिद्धियाँ कह सकते हैं योगी लोग योग अभ्यासों के द्वारा इन्हीं ग्रंथियों को जागृत करके शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त करते थे वे ही ग्रंथियाँ गायत्री मंत्र के विधिवत उच्चारण करते रहने से स्वयं ही जागृत हो जाती हैं इस प्रकार गायत्री जब एक प्रकार की योग साधना भी है जिसे सितार में कई तार होते हैं और उनको बजाने का एक क्रम होता है और उनको बजाने से एक मधुर सी ध्वनि सुनाई देती है यदि हम उन तारों को बजाने का क्रम बदल दें तो वो धुन हमको अच्छी नहीं लगेगी इसी प्रकार से मंत्रों के जो अक्षर हैं उनका उच्चारण का जो क्रम है वो विशेष महत्व रखता है और वही शक्तियों का संचार करता है गायत्री मंत्र के अक्षरों का अर्थ तो साधारण है उसमें भगवान से हम सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हैं लेकिन शब्दों का जो चयन किया गया है शब्दों को जिस क्रम से जमाया गया है गुथा गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वही हमारी शक्तियों को जागृत करता है लेकिन गायत्री मंत्र को और भी अधिक सूक्ष्म बनाने वाला एक कारण और है वो है साधक का श्रद्धामय विश्वास विश्वास की शक्ति से सभी मनोवैज्ञानिक वेदता परिचित हैं केवल विश्वास के आधार पर लोग भय की वजह से अकारण काल के मुख में चले जाते हैं और विश्वास के कारण ही मरे हुए मृत प्राय लोग भी नवजीवन को प्राप्त कर लेते हैं रामायण में तुलसीदास जी ने कहा है भवानी शंकरों बंदे श्रद्धा विश्वास रूपणों यानी विश्वास को भवानी और शंकर की उपमा दी गई है जब साधक श्रद्धा और विश्वासपूर्वक आराधना करता है तो शब्द विज्ञान और आत्मसंबंध दोनों महत्ताओं से संयुक्त गायत्री मंत्र का प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है और वह अद्वितीय शक्ति सिद्ध हो जाता है आइए अब हम जानते हैं कि किस शब्द में कौन सी शक्ति भरी हुई है गायत्री मंत्र के तत् शब्द में तापनी शक्ति भरी हुई है और उससे हमको मिलती है सफलता सा शब्द में सफला शक्ति उत्पन्न होती है और इससे हमारा पराक्रम जागृत होता है वी शब्द से हमारी विश्वा ग्रंथि जो होती है वो जागृत होती है और हमें पालन करने की शक्ति प्राप्त होती है तुह से हमको तुष्टि ग्रंथि जागृत होती है हमारी और उसमें कल्याण की शक्ति भरी हुई होती है से वरदा नामक ग्रंथि जागृत होती है और हमें योग की शक्ति प्राप्त होती है रे शब्द से रेवती ग्रंथि जागृत होती है और हमें प्रेम की शक्ति प्राप्त होती है ऋ शब्द से सूक्ष्म ग्रंथि जागृत होती है और हमें धन की शक्ति प्राप्त होती है यम शब्द का उच्चारण करने से हमारी ज्ञान ग्रंथि जागृत होती है और तेज की शक्ति प्राप्त होती है भर से हमारी भरगा नामक ग्रंथि जागृत हो जाती है और हमारी रक्षा की शक्ति बढ़ जाती है गौ गो से गौतमी ग्रंथि जागृत होती है और बुद्धि की शक्ति बढ़ जाती है दे से देवी का ग्रंथि जागृत होती है और दमन की शक्ति आती है वा से वराही ग्रंथि जागृत होती है और निष्ठा की शक्ति बढ़ जाती है स् से सिहनी ग्रंथि जागृत होती है और धारणा की शक्ति बढ़ती है धी से ध्याना ग्रंथि जागृत होती है और प्राण की शक्ति बढ़ती है माँ से मर्यादा ग्रंथि जागृत होती है और संयम की शक्ति बढ़ती है ही शब्द से स्फुटा ग्रंथि जागृत होती है और तप की शक्ति बढ़ती है धी शब्द से मेधा ग्रंथि जागृत होती है और दूरदर्शिता की शक्ति हमारे अंदर बढ़ जाती है यो से योगमाया ग्रंथि जागृत होती है और जागृति की शक्ति बढ़ जाती है यो से योगनी ग्रंथि जागृत होती है और उत्पादन की शक्ति बढ़ जाती है न से धरित्री ग्रंथि जागृत होती है और सरसता की मात्रा बढ़ जाती है पा शब्द से प्रभवा ग्रंथि जागृत होती है और हम आदर्शवादी होने लगते हैं प्रा शब्द से प्रभावा ग्रंथि जागृत होती है और इससे भी आदर्शवादी बनने लगते हैं दा से दृश्य ग्रंथि जागृत होती है और हमारा विवेक बढ़ने लगता है याद से निरंजना ग्रंथि जागृत होती है और हमारा सेवा भाव जागने लगता है गायत्री ये सारी चौबीस शक्तियों को साधक के अंदर जागृत करती है ये गुण इतने महत्वपूर्ण है कि इनके जागरण के साथ साथ अनेक प्रकार की सफलताएं, सिद्धियाँ संपन्नता प्राप्त होना आरंभ हो जाती है कई लोग समझते हैं कि ये लाभ अनायास कोई देवी देवता दे देते हैं कारण ये है कि अपने अंदर हो रहे सूक्ष्म तत्वों की प्रगति को देखकर वे समझ नहीं पाते यदि वे समझ पाए कि उनकी साधना से क्या क्या सूक्ष्म प्रक्रियाएं हमारे अंदर हो रही हैं तो वो समझने में देर ना लगेगी कि ये सब कुछ कहीं से अनायास दान में नहीं मिल रहा वरन आत्मविद्या की सुव्यवस्थित वैज्ञानिक प्रक्रिया का ये परिणाम है गायत्री साधना कोई अंधविश्वास नहीं एक ठोस वैज्ञानिक तथ्य है और इसके द्वारा लाभ भी सुनिश्चित ही होते हैं योगी लोग अनेक प्रकार की साधनाओं द्वारा स्थूल और सूक्ष्म शरीर में स्थित जिन गुप्त शक्तियों को जागृत करने की कोशिश करते हैं वे सभी गायत्री मंत्र से अपने आप ही जागृत होने लगती हैं इस प्रकार से देखें तो गायत्री साधना सरल होते हुए भी उच्च कोटि की योग साधना जैसी महान फलदायक है इससे सरल स्वल्प श्रम साध्य हानि रहित तथा शीघ्र फलदाय साधना कोई त्रुटि रहने पर भी इसमें कोई हानि नहीं होती ऐसी साधना आपको और कहाँ मिलेगी तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना